क्रेडिट कार्ड का पेमेंट आपको करना है, आपके रिश्तेदारों को पेमेंट नहीं करना है। अब कॉल अगर आपके रिश्तेदारों को आ रही है, आपके पड़ोसियों को आ रही है, तो ये रिकवरी का एक फंडामेंटल है, एक तरीका है रिकवरी का, क्योंकि इसमें वह आपका सोशल फेस वैल्यू है वो ख़राब करने के लिए केवल आपके रिश्तेदारों को कॉल करते हैं कि वह आपको बोलें कि आप उनको पैसा दे दो, जो कि RBI की गाइडलाइन में ये बिल्कुल नहीं है। अगर क्रेडिट कार्ड आपने लिया तो पेमेंट आपको ही करना है। इस सिचुएशन में आपको दोस्तों यह करना है, पॉइंट नंबर 1 है, इसको लिख लीजिएगा कि अगर आपके रिश्तेदारों को कोई बैंक वाला फ़ोन कर रहा है तो आप अपने रिश्तेदारों को बोलिए कि मेरा ये नंबर है, आप उसको बोलिए इस पर कॉल कर लेने के लिए। और दूसरा, अपने रिश्तेदारों को ये भी बोल दीजिए कि वो कॉल बैंक के बिहाफ पे कर रहा है, तो आप उससे एक ID मांग लीजिए कि हाँ वाकई बंदा बैंक वाला है, तो आपको सही बताएगा। और जब वो आपको ID भेज दे तो आप अपॉइंटमेंट ले लेना और मिलवा देना, मेरे घर पे लेके आ जाना, मैं उससे अपने आप बात कर लूँगा, आप अगर अच्छे रिश्तेदार हो तो। सेम ऐसा मुखिया भी कह सकते हो, अपने पिताजी को भी कह सकते हो, अपने भाई बहन को, अपनी वाइफ को भी कह सकते हो, क्योंकि यह जो तरीका है इसमें 90% वह लोग आपके माइंड को ख़राब करने के लिए कॉल करते हैं, आपके ब्लड प्रेशर को हाई करने के लिए कॉल करते हैं, बस कॉल करके आपके लोगों को परेशान कर सकते हैं। अपने रिश्तेदारों या जानकारों के पास अगर फ़ोन आया तो उनको बोलो उनकी ID मांग लो, बाकी बैंक वाले अगर आपको भेज दें तो फिर आप मुझे सर कह दीजिएगा।